आज हम जानेंगे कि रोज़ पाउडर किस तरह से बनाया जाता है। अपने घर में हम किस तरह से गुलाब की पत्तियों से, जो हमारे घर में ऐसे ही कभी कभी रखे रखे मुरझा जाती है, तो हम इससे अपने घर में एक अच्छा सा रोज़ पाउडर किस तरह से बना सकते हैं, है ना। तो लेकिन अगर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाँ, रोज़ पाउडर बना तो लेंगे, लेकिन क्या इसे घर में ऐसे ही रख के छोड़ देंगे, इसका क्या यूज़ है, या हम इसे क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि रोज़ पाउडर जो है, अगर होममेड बना भी लें हम, तो इससे हम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अपने घर बैठे, है ना। मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे रोज़ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, DIY बनाए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाई हैं। आप एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को चेक करके देख सकते हैं कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से कुछ गुलाब के फूल लेना है। हमने यहाँ 8-10 गुलाब के फूल ले लिए हैं, और फिर अब हमें इसे सन ड्राई करना है, यानी हम इसे धूप में सुखा लेंगे, है ना। ये हमने इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया, और हमारे जो पेटल्स है बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं, है ना। ये देखिए कितने अच्छे और शानदार एकदम सूखे खनखन हो गए हैं। इसके अंदर कोई मॉइस्ट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई नमी नहीं है। इसे इतनी अच्छी तरह से ड्राई करना है कि ड्राई करने के बाद जब हम इसे ऐसे अपने हाथ में लें तो हमें इसकी खनखन आवाज़ आए, और ये एकदम परफेक्टली बहुत ही अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छी तरह से डालकर 2-3-4 बार हमें इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है ना। तो चलिए इसे पीसते हैं। यहाँ हमने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, और हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा और शानदार हमारा रोज़ पाउडर बनकर तैयार हो गया है। मैंने जो आपको गुलाब की जो पंखुड़ियाँ बनाई हैं बताई थी ना, वो मेरी ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे कुछ रेड वाले दूसरे गुलाब थे वो मैंने यूज़ किया है, और फिर उसका पाउडर बनकर तैयार किया है ना। एक्चुअली जो हम पाउडर बनाते हैं उसका सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि हम जिस तरह के गुलाब, जिस रंग के गुलाब हम यूज़ करते हैं, हमारा पाउडर उसी तरह से बनकर तैयार होता है। मान लो अगर हमने रेड कलर के गुलाब यूज़ करे हैं फ्लावर्स, तो हमारा रेड पाउडर होगा। पिंक लेंगे तो पिंक बनकर तैयार होगा, वाइट लेंगे तो वाइट बनकर तैयार होगा। जितना लाइट कलर लेंगे हमारा, उतने उस तरह से, जिस तरह से हम जो कलर हम यूज़ करते हैं उस तरह से हमारा ये पाउडर बनकर तैयार होता है, है ना। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इससे अपने लिए अच्छे अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का है। हम इससे फेस पैक बना सकते हैं, टोनर बना सकते हैं, फेस मास्क बना सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।